आज के टाइम पे इंडिया में जब भी इलेक्शन होता है तो वहाँ पे वोटिंग के लिए बेसिकली दो मेथड्स का यूज़ किया जाता है। पहला होता है हमारा बैलेट पेपर एंड दूसरा होता है ईवीएम। बट आज के टाइम पे बैलेट पेपर काफ़ी कम इलेक्शन में यूज होते हैं। आज के टाइम पे मोस्टली ईवीएम मशीन्स का ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले कि ईवीएम मशीन क्या होती है और किस तरह इसको इलेक्शन में यूज किया जाता है और क्यों ईवीएम मशीन को लाया गया बैलेट पेपर की जगह। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देना। उससे पहले चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग के टाइम पे ईवीएम मशीन नहीं थी तो उस टाइम पे बैलेट पेपर का यूज किया जाता था इलेक्शन वोटिंग के लिए। उस टाइम पे एक पेपर लिया जाता था जिस पे जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनका नाम और साइड में उनका जो चुनाव चिन्ह होता था वो होता था। उसके बाद जब भी वोटर वोट डालने जाता था तो उस टाइम पे उसको बैलेट पेपर दे दिया जाता था जिस पे सारे कैंडिडेट के नाम एंड उनका चुनाव चिन्ह होता था। तो वोटर क्या करता था, वहाँ पे एक स्टाम्प होती थी, मोहर होती थी, जिसको वो वोट देना चाहता था वो उसके सामने मोहर लगा के एंड उसको फोल्ड करके बॉक्स में डाल देता था। उसके बाद उनकी काउंटिंग होती थी, जितने बैलेट पेपर जिसके निकलते थे उस हिसाब से वो जीत जाता था। बट ये जो प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि ये छोटे इलेक्शन में करना तो पॉसिबल होता है, जैसे कि ग्राम प्रधान के इलेक्शन हो गए, VTC के, तो इस तरह के इलेक्शन में ये पॉसिबल है। और जो बड़े इलेक्शन होते हैं लोकसभा विधानसभा के, तो इनमें बैलेट पेपर का यूज पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बैलेट पेपर हो जाएंगे तो ऐसे में काउंटिंग में भी प्रॉब्लम होगी एंड इसमें कुछ गड़बड़ भी की जा सकती थी। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ईवीएम मशीन को लाया गया, जिससे क्या होता है ना, हमारे जो बैलेट पेपर है उसमें काउंटिंग प्रॉब्लम होती है वो इसमें काउंटिंग प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, हमारे पेपर है वो भी सेव होते हैं, पेपर वेस्ट नहीं होता ज़्यादा और बैलेट पेपर के कंपैरिजन में इसमें हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, तो इसलिए ईवीएम मशीन को लाया गया था। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इंडिया में बेसिकली दो कंपनियां इसको बनाती हैं, पहली है हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड दूसरी है ECIL। तो ये दो कंपनियां इंडिया में जो कि ईवीएम मशीन को बनाती हैं इंडिया में। फर्स्ट टाइम 1982 में केरला में इसका यूज किया गया था बट 2004 से इसको इंडिया में नॉर्मली मोस्टली इलेक्शन में यूज किया जाने लगा था। तो अब बात करते हैं कि जो ईवीएम मशीन है उसका वोटिंग में किस तरह से यूज किया जाता है, किस तरह से पूरा प्रोसेस रहता है। तो जो हमारी ईवीएम मशीन होती है वो बेसिकली दो यूनिट में डिवाइड होती है। पहली होती है हमारी बैलेट यूनिट, दूसरी होती है हमारी कंट्रोल यूनिट। अब जो बैलेट यूनिट होती है वो वोटर्स के लिए होती है बट जो कंट्रोल यूनिट होती है वो इलेक्शन ऑफिसर वहाँ पे जो रहता है, जो पीटासीन अधिकारी वगैरह रहते हैं उनके कंट्रोल में रहती है, वहाँ से वो कंट्रोल करते हैं और उसके बाद जो बैलेट यूनिट है वो काम करती है। बैलेट यूनिट में क्या होता है ना, जो कैंडिडेट होते हैं उनके नेम होते हैं और प्लस उनका जो चुनाव चिन्ह होता है वो होता है एंड उनके सामने बटन दिए गए होते हैं। हर कैंडिडेट के सामने एक बटन दिया गया होता है जिसके सामने वाला बटन आप प्रेस करेंगे उस पर आपका वोट है वो चला जाएगा। दूसरी होती है हमारी कंट्रोल यूनिट, जो कि हमारा पीटासीन अधिकारी होता है, जो इलेक्शन ऑफिसर रहता है वहाँ पे, जो उसके पास कंट्रोल में रहता है, उस पे बैलेट बटन होता है, क्लोज का बटन होता है, रिजल्ट का बटन होता है, तो इस तरह के कुछ बटन्स होते हैं जिसके हेल्प से वो कंट्रोल करते हैं। अब ये जो दोनों यूनिट होती हैं वो 5 मीटर की एक वायर होती है उससे कनेक्टेड रहती हैं। पहली जो हमारी बैलेट यूनिट होती है वो जहाँ हम वोट डालते हैं वहाँ रख दी जाती है एंड दूसरी कंट्रोल यूनिट वो अपने पास रखते हैं। उसके बाद जैसे कोई कैंडिडेट वोट डालने जाता है, सबसे पहले जो पीटासीन अधिकारी है, जो इलेक्शन ऑफिसर है, वो बैलेट बटन को प्रेस करता है। जैसे ही वो बैलेट बटन को प्रेस करता है वैसे ही जो हमारी बैलेट यूनिट है वो एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद हम वहाँ पे जैसे कोई बटन प्रेस करेंगे हमारा वोट है वो पड़ जाएगा, वहाँ पे हमारी बीप साउंड आएगी और हमारा वोट है वो डन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कोई पर्सन अगर वोट डालने आएगा तो दोबारा से जो कंट्रोल यूनिट में आपको बैलेट बटन प्रेस करना पड़ेगा, तभी जो बैलेट यूनिट है वो काम करेगी। जितनी बार कैंडिडेट आएगा वोट डालने, हर बार जो इलेक्शन ऑफिसर है वो बैलेट बटन दबाएगा, उसके बाद ही वो वोट पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार इलेक्शन ऑफिसर ने बैलेट बटन दबा दिया तो आप जितने चाहे वोट डाल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जितने कैंडिडेट जाएंगे हर बार पीटासीन जो अधिकारी है उसको बैलेट बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही वोट डाल सकता है। दूसरा बटन होता है उस पर क्लोज बटन। जैसे ही हमारी जो वोटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जो पीटासीन अधिकारी वो क्लोज बटन दबा देगा, उसके बाद आप कोई भी वोट नहीं डाल सकते ईवीएम के थ्रू। तीसरा होता है इस पर रिजल्ट का बटन, जो कि ऑलरेडी सील्ड होता है, जब वोट्स की काउंटिंग होती है उसी टाइम पे उसको खोला जाता है। उसके बाद जब इलेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इसको सील कर दिया जाता है एंड उसके बाद एक सेफ प्लेस पे रख दिया जाता है। जब तक वोटिंग की काउंटिंग नहीं होती तब तक उसको एक सेफ प्लेस पे रख दिया जाता है जिससे कि कोई उससे छेड़खानी नहीं कर सकता। इस ईवीएम मशीन की जो वोटिंग कैपेसिटी होती है वो 3840 होती है, 3840 वोट ये काउंट कर सकती है, इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकती। और जनरली एक पोलिंग पे इससे ज़्यादा वोट होते भी नहीं, जनरली 1000 2000 3000 इस तरह से ही रहते हैं, तो एक ईवीएम में हमारा काम चल जाता है। एंड एक और चीज़, इसकी बैलेट यूनिट होती है उस पर केवल 16 कैंडिडेट के ही नाम और चुनाव चिन्ह हो सकते हैं,
इससे ज़्यादा कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह नहीं हो सकते हैं। अगर मान लो 16 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो आपको दूसरी मशीन उसी के साथ ऐड करनी पड़ेगी। इसमें आप चार मशीन ऐड कर सकते हैं एक ही टाइम पे। चार मशीन मतलब चार बैलेट यूनिट आप कनेक्ट कर सकते हैं एक ही टाइम पे। तो वहाँ पे पॉसिबल है 64 कैंडिडेट हो सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, पूरा वोट काउंटिंग है। उसके बाद हमारे जो वोट खुलते हैं उस टाइम पे जो हमारी रिजल्ट का जो बटन होता है किस वो सील होती है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट होती है किस ईवीएम से कितने वोट किस पार्टी के निकले किस कैंडिडेट के निकले, उस हिसाब से रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट इसमें भी कई सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि जब भी जो पार्टी जीतती है उसकी जो अपोजिशन पार्टी होती है वो हमेशा एलिगेशन लगाती है कि ईवीएम हैक हुआ है, इस तरह का कुछ लफड़ा हुआ है, इस वजह से ये पार्टी जीत गई। तो इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे एक और चीज़ नई इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है VVPAT, जिसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये बेसिकली एक मशीन होती है जिसको ईवीएम मशीन के साइड में रख दिया जाता है, यानी कि जो बैलेट यूनिट होती है ईवीएम की उसके साइड में रख दिया जाता है। इसका काम होता है कि ये इंश्योर कराना आपको कि आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है वो उसी के पास गया है या फिर कहीं और चला गया है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे ही आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं, मान लो आपने किसी कैंडिडेट का बटन प्रेस किया तो उसका जो चुनाव चिन्ह होगा वो इस मशीन के थ्रू आपके सामने प्रिंट होके आ जाएगा, आपके पास नहीं आएगा, वो मशीन में ही रहेगा एंड उसके बाद मशीन के बॉक्स में ही वो अंदर चला जाएगा, आपको दिख जाएगा कि हाँ सही वोट गया है। इससे क्या होता है ना, क्लैरिटी हो जाती है कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ नहीं की गई है। इसको पहली बार 2014 में कुछ जगहों पर यूज किया गया था बट 2019 के बाद ये कंटिन्यूसली आज भी यूज हो रहा है। अभी जो 2022 के इलेक्शन हुए हैं इसमें भी इसका यूज किया गया था। अगर आप वोट डालने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने ईवीएम पे बटन प्रेस किया तो उसका जो चुनाव चिन्ह होगा उसकी एक स्लिप आती है हमारे साइड में एंड हमें पता चल जाता है कि हमारा जो वोट है वो सही जगह गया हुआ है। तो जो ईवीएम मशीन होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती है, उसके लिए बैटरी का यूज किया जाता है। तो हमें इसमें लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, लाइट आए जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बैटरी का यूज किया जाता है। 6 वोल्ट की बैटरी होती है जिसका यूज किया जाता है ईवीएम को ऑपरेट करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।